आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाल बटन को दबाइए, घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको नई से नई कहानियाँ सुनने को मिल सकें। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ भगवान से संबंधित है। एक सेठ जी थे, उनको बहुत अधिक माया का लोभ था, बस वो तो सिर्फ माया के ही चक्कर में लगे रहते थे। भगवान का नाम तो कभी भजते ही नहीं थे, भगवान का नाम कभी लेते ही नहीं थे। उनकी पत्नी को बहुत अधिक कष्ट रहता था कि मेरे पति कभी भगवान का नाम नहीं लेते, मेरे पति कभी भगवान का स्मरण नहीं करते। वो हमेशा अपने पति को समझाती रहती थी कि आप भगवान का नाम लिया करिए, इससे हम सब भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन उनके पति सुनते ही नहीं थे, वह व्यापार के सिलसिले में कहीं कहीं जाते रहते थे। एक बार वो व्यापार के सिलसिले में जा रहे थे, तभी उनको रास्ते में लघु शंका की याद आई, तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि भैया गाड़ी को रोकना, हम थोड़ी लघु शंका के लिए जाते हैं। तो वो जंगल में उतर गए और वहाँ पर उतर कर उन्होंने लघु शंका के लिए बैठने की कोशिश की, तो उनकी कमर में एक लकड़ी का टुकड़ा बहुत तेज़ी से घुस गया। तो वो जैसे ही घुसा तो उनको भगवान का नाम याद आ गया और कहने लगे, हे भगवान। तो वहीं रामचंद्र जी तुरंत आ गए, जैसे उनने कहा हे राम, तो रामचंद्र जी तुरंत अपने भक्त के पास आ गए और वहीं से हनुमान जी निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति तो लघु शंका के लिए बैठ रहा है और मेरे राम का नाम ले रहा है, मेरे प्रभु का नाम अशुद्ध कर रहा है, यह कैसा नीच प्राणी है। और हनुमान जी को बड़ी तेज गुस्सा आई और उन्होंने एक टाँचा, बिल्कुल एक चांटा उसके गाल में मारने के लिए हाथ उठाया। तभी रामचंद्र जी ने सोचा कि अगर इसने मार दिया मेरे भक्त को तो हनुमान जी का हाथ और वृद्ध सेठ ये तो मर ही जाएगा। तो भगवान ने सेठ जी को बचा लिया और वो सामने आ गए। हनुमान जी ने बहुत तेज़ी से उसको चांटा मारा और चले गए, वह भी अपनी गाड़ी में बैठा और चले गए। अब सुबह हुई तो हनुमान जी ने भगवान के दर्शन करने के लिए हाथ जोड़े, तो भगवान का गाल इस कदर लाल और सूजा हुआ था, हनुमान जी का पूरा पंजा उनके गाल पर उछला हुआ था। तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आपको किसने मारा। तो हनुमान जी की बात सुनकर भगवान हंसने लगे और कहने लगे कि मेरे एक शिष्य ने ही तो मुझे मारा है, कोई बात नहीं, मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि मेरे शिष्य ने मुझे क्यों मारा, उसको गुस्सा आ गई तो उसने मार दिया। तो हनुमान जी को और गुस्सा आ गई। हनुमान जी बोले, भाई एक बार तो आपको उस शिष्य का नाम बताना ही पड़ेगा, आप जब नाम बताएंगे तभी तो मैं उससे बदला ले पाऊंगा। मेरे राम, मेरे प्रभु को किसने मार दिया मेरे होते हुए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और हनुमान जी बार बार भगवान से बिना याचना करने लगे। तो भगवान ने कहा कि देखो हनुमान जी, अगर मैं उसका नाम आपको बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा दुख होगा। हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, मैं तो उसको सजा दिए बिना ही नहीं रहूँगा, आपको तो उसका नाम बताना ही पड़ेगा। तो भगवान हंसते हुए बोले कि आपने ही तो मारा है मेरे गाल में चांटा। हनुमान जी बोले, मैंने अपने प्रभु को चांटा मारा, संभव है क्या। भगवान हंसने लगे, बोले हाँ, इस संसार में सब कुछ संभव है, आपने ही
याद करो मुझे कल शाम को यह चांटा मारा है। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता है। हनुमान कभी ऐसा काम कर सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, याद करो, आपने किसी को कल शाम को चांटा मारा था। तो हनुमान जी बोले, हाँ, वो एक मूर्ख लघु शंका के लिए बैठ रहा था और आपका नाम स्मरण कर रहा था, तो मुझे गुस्सा आई कि मेरे ही जो है भगवान मिले आपको नाम लेने के लिए, और मैंने उसको एक चांटा मार दिया। तो भगवान बोले कि अगर तुम्हारा चांटा मेरे भक्त को लग जाता तो हनुमान जी का चांटा था वह भय तो मर ही जाता, इसलिए उसको बचाने के लिए तुम्हारे उस चांटे को मैंने अपने गाल पर ले लिया। हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप कितने दयालु हैं, आप बहुत ही दयालु हैं, है ना, आपकी दया का कोई पार नहीं पा सकता। और जो भी भगवान का, श्री राम का एक बार नाम लेता है, उस वह इस भवसागर से तर जाता है, जैसे कि वह सेठ सिर्फ एक बार, वो भी दुख में, हे राम कहने से, इतनी बड़ी यातना झेलने से बच गया। ऐसे हैं हमारे प्रभु राम, आप उनको याद तो कीजिए, उनका स्मरण तो कीजिए। राम राम सीता राम, सीता राम का भजन तो कीजिए, उसका अनुभव तो आपको अपने आप मिल जाएगा, किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाइए और घंटी को भी दबाइए और लाइक भी करिए और अधिक से अधिक शेयर भी करिए, जिससे सभी को धर्म लाभ प्राप्त हो सके।